Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 5, multiplication. In previous video, I had explained you exercise 5.2. In today's video, I am going to explain you question 1, 2, 3 of exercise 5.3. So let's start question 1. Your question 1 is, write the product of each of the following. So product का meaning हमें पता है कि हम दो number को multiply करेंगे तो हमारे पास product ही आएगा, ठीक है? इन question को start करने से पहले कुछ properties होती हैं multiply की जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? So सबसे पहले कौन सी property होती है कि अगर हम किसी भी number को one से multiply करते हैं तो हमारे पास answer हमेशा क्या आता है? Number itself means 2 multiply by 1. तो आपका आंसर क्या आएगा? 2, नंबर इटसेल्फ आ गया, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0, वी गॉट 0. अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर हमेशा 0 आता है. लाइक 3 multiply by 0, 3 zeros are 0, ठीक है? सो ये थी आपकी दो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की. ऐसे ही मैं आपको और भी सिखाऊंगी एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है? सो कम टू द ए पार्ट, 43 multiply by 1. तो अभी मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, आपका आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ. सो 43 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 43 ones are 43, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जीरो की प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई थी, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है? 0. सो 61 multiply by 0, 61 zeros are 0, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा 92 multiply by 10. अब आपने देखा होगा ये बड़ा नंबर है, तो इतने बड़े नंबर को हम कैसे 10, 100 इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो इसमें क्या रूल होता है बेटे, अगर हमारे पास 1 के साथ ओनली जीरोस दिए हो, चाहे 1 दिया हो 2 दिया हो 3, जितने मर्जी जीरोस दिए हो, तो हम क्या करते हैं, जो जीरोस होते हैं वो डायरेक्टली आंसर में सीधा राइट डाउन कर देते हैं और नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? सो आप यहां पर देख सकते हो 1 के साथ एक ही जीरो दिया है, तो मैं यहां पर पहले एक ही जीरो पुट करूंगी. अब ये तो मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा? 92 multiply by 1. So 92 ones are 92. इससे क्या हुआ, आपकी मल्टीप्लिकेशन इजी हो गई, ठीक है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन हमें क्या करना है, प्रोडक्ट राइट डाउन करना है. सो इट मींस हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? सो हमारा ए पार्ट है 12 multiply by 40. अब आपने देखा 40 कितना बड़ा नंबर है, तो हमारी मल्टीप्लाई को हम इजी कैसे कर सकते हैं? आपके पास नंबर के साथ जीरो दिया हुआ है, सो जीरो से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. एक जीरो है, वो अकेला जीरो आपका यहां पर राइट डाउन हो जाएगा, ठीक है? आपके पास एक ही जीरो था ना, वो अकेला मैंने यहां पर राइट डाउन कर लिया, ठीक है? तो अब आपके पास क्या बचा, 12 और 4. सो आपको 12 का टेबल 4 तक रीड आउट करना है. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48. सो आपका आंसर क्या है, 48. सो हमने राइट डाउन कर दिया, सो इट मींस 12 multiply by 40, आपका आंसर क्या आएगा, 480, ठीक है? नाउ कम टू द एफ पार्ट, इसमें भी आपने देखा 43 multiply by 50 लिखा हुआ है. सो मतलब आपके 5 के साथ 0 है, ठीक है? सिर्फ आगे और कोई नंबर नहीं, अकेला जीरो दिया हुआ है, पीछे सिर्फ जीरो ही होना चाहिए. जीरो के आगे अगर कोई नंबर दिया है तो आप पुट नहीं कर सकते हो, तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? सो 10 है, 10 मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया. अब मेरा क्या बचा, 43 multiply by 5. तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 43 multiply by 5, 5 threes are 15, 1 carry और 5 यहाँ पर, then 5 fours are 20, 20 plus 1, 21. So आपका आंसर आ गया 250, जो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, ठीक है? So 43 multiply by 50 आपका आंसर क्या होगा, 2150.
50. Okay, now come to the question 3. Write the product of each of the following. फिर से हमें product ही write down करना है. 6 multiply by 100. So ये मैंने अभी आपको बताया था 10 वाला formula. Means 1 के साथ अगर अकेले zeros दिए हों तो हम सिर्फ 0 count करके पीछे लगा देते हैं और 1 से multiply करते हैं. So आपके पास यहाँ पर कितने zeros हैं? 2. तो ये दोनों zeros मैंने directly यहाँ पर लगा दिए. अब इसके साथ मुझे multiply नहीं करना है. So 6 multiply by 1, 6 ones are 6. ठीक है? Next D part, 25 multiply by 100. 100 में भी आपने देखा 1 के साथ 2 zeros हैं. So ये जो 2 zeros हैं हम directly यहाँ पर लगा देंगे और 25 को 1 से multiply करेंगे. 25 ones are 25. ठीक है? So आज हमने क्या सीखा? Multiplication की कुछ properties. पहली कौन सी? किसी भी number को 1 से multiply करने पर number itself आता है, 0 से multiply करने पर 0 आता है, और अगर हमें 1 के साथ zeros ही दिए हुए हैं multiplication में, तो हम directly multiply कैसे कर सकते हैं? ठीक है? I hope you got the question 1, 2 and 3 of exercise 5.3. On the basis of this video, you can solve rest of the parts. If you're having any problem, you can contact me. Thank you.